वेलकम टू वेब डिफाइन इंस्टीट्यूट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोटोशॉप की क्लासेस। तो आ जाते हैं हम हमारी फोटोशॉप स्क्रीन के ऊपर। फोटोशॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था पैन बकेट टूल कि पैन बकेट टूल कैसे काम करता है। उसके बाद हम आज सीखने वाले हैं टेक्स्ट टूल। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते ही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करने के बाद, हॉरिजेंटल टाइप टूल। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके अब हमारे पास देखिए कर्सर जो है वो चेंज हो गया है। मैं एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ और सॉलिड कलर को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए स्क्रीन के ऊपर कि ये काम कैसे करेगा। तो ये पहली हमारी बैकग्राउंड लेयर है। उसके बाद न्यू लेयर एक क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे हमारी टूल के ऊपर। कौन सा टूल है? ये टेक्स्ट टूल। इस पर लिखा आ रहा है हॉरिजेंटल टाइप टूल। ठीक है, अब हमारा कर्सर देखिए टेक्स्ट टूल का कर्सर आ गया। जैसे ही हम सिंगल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखे आएंगे या नहीं लिखे हुए आएंगे। अगर नहीं भी लिखे हुए आ रहे तो हम क्या करेंगे, इन यहाँ पे टेक्स्ट टूल जैसे ही आता है यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट की टूल बार आ जाती है। तो मैं एक बार इसके कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट की टूल बार है। जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक किया, आप देखिए ऊपर टॉप में एक टूल बार आ रही है। ठीक है, ये टूल बार क्या आ रही है? टूल बार आ रही है हमारी टेक्स्ट की। तो पहला आ रहा है टेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है टेक्स्ट का शेप। शेप कौन सा है? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, इस पर लिखा आ रहा है टॉगल टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इस पर जैसे ही हम एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखिए टेक्स्ट क्या हुआ है। टेक्स्ट जो हो गए वो अप टू डाउन में हो गए। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल शेप में इसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब वापस मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ, ये हो गया राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट। अभी ये हो जाएगा टॉप टू बॉटम। वापस क्लिक किया टॉप टू बॉटम हो गया, वापस क्लिक किया लेफ्ट टू राइट हो गया। तो टेक्स्ट के हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है फाउंट स्टाइल। अब देखिए अभी फाउंट आ रहे हैं इसमें एरियल ब्लैक। आप दूसरे पे लेके जाएंगे तो अलग अलग तरीके के फाउंट स्टाइल इसमें, तो आप इसकी फाउंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इस टूल की मदद से। ये है फाउंट स्टाइल। ठीक है, आप जो भी फाउंट सेलेक्ट करेंगे वो फाउंट स्टाइल यहाँ पे चेंज होके और सेलेक्ट हो जाएगी। तो हमने ये फाउंट स्टाइल ले ली। उसके बाद आ रहा है इसमें फाउंट स्टाइल के अंदर ऑप्शन क्या है, इसमें आ रहा है इनलाइन और दूसरा आ रहा है सॉलिड। सॉलिड में हमने क्लिक किया, देखिए सॉलिड कलर के फाउंट हो गए। ठीक है, तो हम कंट्रोल टी करके इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं और सेंटर कर लेते हैं। सॉलिड कर सकते हैं हम इसको और उसके बाद में इनर लाइन कर दिया। तो इनर लाइन किया तो अंदर लाइन आ गई। तो ये फाउंट की स्टाइल है। ठीक है, फाउंट की स्टाइल हम चेंज करेंगे। जैसे हमने एरियल ब्लैक ले लिया तो अब यहाँ पे फाउंट की स्टाइल चेंज हो गई, यहाँ पे सिर्फ रेगुलर आ रहा है। अब इसमें इसमें मैं एरियल में सिर्फ सिंपल एरियल ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए फाउंट की स्टाइल के अंदर क्या क्या आ रहा है। रेगुलर फाउंट आ रहा है, इटालिक शेप कर सकते हैं आप इसको, उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं तो बोल्ड हो गया, फिर इसके अंदर बोल्ड इटालिक करेंगे तो बोल्ड में इटालिक हो गया। तो इस तरीके से फाउंट के अंदर भी स्टाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम वापस से ये वाला फाउंट ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा फाउंट दिख रहा है, हम इसको यूज करेंगे। अब इसके नेक्स्ट टूल क्या आ रहा है, ये नेक्स्ट टूल आ रहा है, इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा साइज का टी बना हुआ है, एक बड़ी साइज का टी। इसका मतलब क्या है कि आप फाउंट जो है उसकी साइज को छोटा कर सकते हैं। तो देखिए छोटा हो रहा है, ये टी के ऊपर एक हैंड बना हुआ आ रहा है और दो छोटे कर्सर आ रहे हैं राइट और लेफ्ट में। तो मैं इसको जब लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो फाउंट की साइज छोटी हो रही है। मेरे माउस के की को यूज कर रहा हूँ मैं, इसको जब प्रेस करके रख रहा हूँ और फिर मूव कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, और जब मैं इसको वापस अपोजिट साइड पर लेके जाऊंगा राइट साइड पे तो ये देखिए फाउंट की साइज बड़ी हो रही है। तो ये फाउंट की साइज को छोटा और बड़े करने के लिए काम होता है। इसमें तीन तरीके से फाउंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस बॉक्स में जब हम क्लिक करेंगे, अप एरो जो है आपके माउस कीबोर्ड का, उस पर जब आप प्रेस करके रखेंगे तो ये साइज बड़ी होगी। इसमें पीटी साइज होती है, पीटी से आप उसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अगर 100 मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, तो 100 पीटी आ गया तो 100 साइज का फाउंट हो गया। फिर दूसरी तीसरा तरीका इसका एरो आ रहा है, एरो पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग फाउंट साइज आएगी। 30 पीटी सेलेक्ट किया छोटा हो गया, 60 पीटी सेलेक्ट किया और बड़ा हो गया, 70 पीटी सेलेक्ट किया बड़ा हो गया। इससे बड़ा करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप करके लिखेंगे 150 और टैब बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। या फिर यहाँ टीटी लिखा हुआ है यहाँ से आप इसकी फाउंट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रैग करके उसके माउस को। आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो इसको बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो फाउंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ से इसकी मदद से। उसके बाद नीचे आ जाता है शार्प।
नन, तो इसके ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। क्रिस्प, ठीक है। स्ट्रांग, आप किस तरीके के इसके फाउंड की स्टाइल को रखना चाहते हो, कैसा दिखना चाहिए जूम करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस कर सकते हो। फिर हमने ये जो फाउंड लिखा है, इस फाउंड को हम चॉइस करके हम इसमें से चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट सेट कर सकते हैं। तो हम फाउंड टूल पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी जो ये फाउंड है, ये फाउंड जो है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो अभी ये फाउंड है, ये सेंटर्ड है। हम इसको जब राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट पे हो जाएगा, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। तो आप इसको राइट, लेफ्ट और सेंटर्ड कर सकते हैं इन टूल की मदद से। जब आपने चेंजेस कर दिया, उसके बाद इसको एंटर, इसको ऊपर आ रहा है डी सेलेक्ट करने का, तो आप इसको चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट होके आपकी पोजिशन पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसके ऊपर कलर का। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कलर पिकर खुल जाएगा। अब ये कलर पिकर किसका खुला है, ऊपर देखिए लिखा आ रहा है टेक्स्ट कलर। तो इसके टेक्स्ट के कलर्स को आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। तो आप टेक्स्ट के कलर को चेंजेस कर सकते हो। ये हमने इसके कलर को चेंज कर लिया और ओके कर लिया, तो इसके कलर को चेंज कर लिया। कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर, जिसमें टी लिखा हुआ है। इसमें आ रहा है रेप टेक्स्ट। तो रेप टेक्स्ट कैसे काम करता है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल आ जाएगी। स्टाइल में क्या आ रही है, आप इसको नन है, अभी आप इसको आर्क करेंगे। जैसे आर्क पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देखो इसका टेक्स्ट का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेप हो गया, बैंड हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। अब ये हॉरिजेंटल में चेंज हो रहा है, वर्टिकल में चेंज करना है तो ये वर्टिकल में चेंज हो गया। इसको आपको थोड़ा सा बैंड को चेंज करना है तो बैंड के परसेंटेज चेंज कर सकते हो। 50 की जगह पे आपको इसको -50 करेंगे तो क्या होगा, देखिए एल जो है वो छोटा आ रहा है और एम जो है वो बड़ा आ रहा है, तो इसमें चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। हॉरिजेंटली आपको कुछ चेंजेस करना है तो ये हॉरिजेंटली चेंजेस हो सकते हैं। वर्टिकली आपको कुछ चेंजेस करना है तो देखिए वर्टिकली चेंजेस हो रहे हैं। आपने +66 कर दिया तो और बैंड हो गया, थोड़ा 3D शेप में ये फाउंड स्टाइल हो गई। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर से इसमें एक वर्ड टाइप कर लेते हैं हम लोग, वेबजीफाई, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं बड़ी साइज का। तो इसमें हम थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके इसकी स्टाइल चेंज करेंगे और इसको एक डिजाइन क्रिएट करेंगे। कंट्रोल जे करते हैं, डुप्लीकेट किया, मैंने एक और लेयर बना दी और एक और वर्ड लिख लिया। और यहां पे लिखता हूं मैं वी गिव जॉब्स। तो वेबजीफाई इंस्टीट्यूट क्या देता है, जॉब्स देता है, ऑनलाइन जॉब्स। तो उसकी हमने टैगलाइन यूज कर ली है हमारी इंस्टीट्यूट की, वी गिव जॉब्स। अब इसका मेरे को कलर चेंज करना है, वी गिव जॉब्स का कलर पिकर सेलेक्ट किया, मैंने कलर चेंज कर दिया। वेबजीफाई का मेरे को कलर चेंज करना है, सेलेक्ट किया, इसका कलर मेरे को डार्क रखना है, मैंने इसको डार्क रख लिया। अब इसको कंट्रोल टी किया, थोड़ा मैंने नीचे ले लिया, ये मैंने एक टेक्स्ट वर्ड क्रिएट कर दिया। अब इस टेक्स्ट वर्ड को हम चेंज करेंगे रेप टेक्स्ट से। अब यहां से अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, आर्क लोअर भी आ रहा है। आर्क लोअर हम जब चूज करेंगे, देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट का लोअर पार्ट है उसमें शेप चेंज हो गया। अगर मैं इसको माइनस में चेंज करूंगा तो देखिए ऊपर की साइड में चेंज हो गया। तो हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं हमारी चॉइस के हिसाब से। अगर मैं इस साइड पे चेंजेस करता हूँ, इस साइड से बड़ा हो गया, इस साइड से चेंजेस करता हूँ, इस साइड से चेंजेस हो गए। तो आप इसकी फाउंड में बहुत डिफरेंट तरीके के चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस के लिए ऑप्शन आते हैं, एक आता है आर्क। आर्क को यूज करोगे तो ये कैसा शेप में चेंज हो जाएगा, फिर इसको वापस लोअर में चेक करोगे तो लोअर हो जाएगा, फिर अपर में करोगे तो देखिए अपर में हो जाएगा शेप, ठीक है। उसके बाद क्लिक करके आप आर्क एच में करेंगे तो ये देखिए और चेंजेस हो गया। उसके बाद में आप इसका डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर आप करेंगे तो देखिए राइट और लेफ्ट से वर्ड छोटे और सेंटर से बड़े हुए। तो 3D इफेक्ट के आपके वर्ड जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। इसको मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो आप जिस लेयर को सेलेक्ट करेंगे उस लेयर में चेंजेस होगा। वी गिव जॉब्स पे हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम रेप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिर मैं शेल अपर पे क्लिक कर रहा हूँ तो शेल अपर पे चेंजेस हो गया। फिर फ्लैग स्टाइल में कर रहे हैं तो देखिए फ्लैग कैसे होता है, हवा में फ्लैग जैसे लहराता है उस शेप में ये चेंजेस हो गया। इसकी आप बैंड को चेंज करेंगे तो आप डिफरेंट साइज का बैंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल में चेंजेस करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल में देखिए डब्ल्यू शेप छोटा हो रहा है, डब्ल्यू का, और एस का बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं हर तरीके से। फिर फ्लैग के अंदर वेव में आ जाएंगे तो वेव में चेंजेस हो जाएंगे। मैं डिसलेक्ट करके फिर से इसको दिखाता हूँ आपको, मैंने वेव चूज किया तो एक वेव में हो गया, ठीक है। वेव की आप इसकी परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं। वेव के बाद आपको फिश आ रहे हैं, आप फिश शेप में चेंजेस कर सकते हैं कि डब्ल्यू शेप बड़ा है, उसके बाद देखिए ना पीछे जो आप है वो छोटा हो गया। तो फिश के अंदर भी आप इसके परसेंटेज को थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, तो फिश शेप हो गया। उसके बाद में आप राइस शेप है तो राइस में चेंज कर सकते हैं।
फिश आई है तो फिश की आई होती है उस शेप में आप चेंज कर सकते हैं। फिर इन्फ्लेक्ट आता है तो इन्फ्लेक्ट शेप हो गया, ठीक है। इसके आप वापस इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें आप, कि आपको ब्लेंड में चेंजेस करना है तो ये इनसाइड ब्लेंड हो रहा है। फिर उसके बाद में आपको स्क्वीज हो गया तो स्क्वीज में कर दिया, स्क्वीज में करने के बाद इसमें आप फिर वापस इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे आके ट्विस्ट, तो ट्विस्ट कर सकते हैं आप इसको, देखिए बिल्कुल ट्विस्ट हो गया है साउंड। कितना ज्यादा आपको ट्विस्ट करना है आप ट्विस्ट कर सकते हो। फिर आपको ब्लेंड में माइनस में ट्विस्ट करना है तो माइनस में ट्विस्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो उसमें चेंजेस कर रहे हो टेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके के चेंजेस करके हमारी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी बेसिक डिजाइन क्या थी, ये डिजाइन थी, और इसमें हमको कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं रैप टेक्स्ट की मदद से। जैसे रैप टेक्स्ट के अंदर मैं इसका शेप लेने वाला हूँ राइज स्टाइल में, या वेव ले लेता हूँ मैं इसमें, तो वेव ले लिया मैंने और इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा दिया। तो मैंने एक ये शेप ले लिया, और उसके बाद वेबजीफाई जो है इसे मैं शेप देना चाहता हूँ आर्क, तो मैंने इसका आर्क ले लिया। अब आर्क ज्यादा हो गया इसका तो मैं इसका आर्क को कम कर सकता हूँ, या ज्यादा करने के बाद भी अगर ये आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है तो ओके करना है, कंट्रोल टी करना है और इसकी साइज को छोटा करना है। तो इसकी साइज को हमने छोटा कर लिया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर कर दिया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी टेक्स्ट है उनमें चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट और टेक्स्ट लिखने हैं आपको तो कैसे लिखेंगे, आप एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप हॉरिजेंटल टेक्स्ट टाइप टूल में जाएंगे, वहां से आप इसका कलर चूज करेंगे टेक्स्ट का, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। टेक्स्ट का कलर चूज करने के बाद ओके करेंगे, फिर आप स्क्रीन पे जहां पे भी ब्लैंक एरिया है वहां पे आप क्लिक करेंगे। क्यों क्लिक करेंगे, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखे वहां पे अगर क्लिक कर देते हैं तो आपकी देखिए अभी कौन सी लेयर सेलेक्ट है, ब्लैंक लेयर सेलेक्ट है। लेकिन अगर वेबजीफाई लिखा है वहां अगर मैं टेक्स्ट को क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए क्या होगा, वेबजीफाई वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी और वहां पे टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है टेक्स्ट जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है हमें ब्लैंक लेयर पे। तो ब्लैंक लेयर सेलेक्ट करेंगे और ब्लैंक एरिया पे जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ब्लैंक एरिया में जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट की एक नई लेयर आ गई है। इस लेयर पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे ऑनलाइन लर्निंग विथ अर्निंग, तो हम दे रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के साथ अर्निंग। अब ये देखिए लर्निंग विद अर्निंग जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट आउट ऑफ फ्रेम चले गए। तो इसकी साइज को छोटा कैसे करेंगे, हमने ऊपर सीखा था इसकी टेक्स्ट साइज छोटा करने के लिए, तो यहाँ पे टीटी जो लिखा है यहाँ पे हम कर्सर को ले जाके और हम लेफ्ट साइड उसको लेके जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। लेफ्ट साइड छोटा हो गया, अब हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कहाँ से करेंगे, हमने देखिए सीखा है इसके अंदर कि जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे जब हम रखते हैं तो इस टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे लर्निंग की अगर स्पेलिंग आपकी गलत हो गई तो यहाँ पे आप क्लिक करके और जी लिख सकते हैं, तो आप पहले तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद इनसाइड एरिया में आपका कर्सर अलग आ रहा है, थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे तो आपका मूव टूल का कर्सर आ रहा है, तो आप इस कर्सर को यूज करके आपके फाउंड को मूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से मूव करेंगे, मूव करने के बाद में आप इसका चेक मार्क आ रहा है ऊपर उससे रिलीज करेंगे, इस फाउंड को प्लेस कर देंगे। तो अभी देखिए लेयर टू लिखा हुआ है आ रहा है आपकी टेक्स्ट लेयर पे। जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे तो आप देखिए हमारे हमारे जो वर्ड थे वो वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन लर्निंग विथ अर्निंग, तो आपकी लेयर का नाम भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए आप इसमें हमने टेक्स्ट लिखे, इसमें हमने अर्निंग के अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक की है, ई ए आर एन होना चाहिए तो हमने ई ए आर लिख दिया है। तो हम यहाँ पे क्लिक कहाँ करेंगे, आर और आई के बीच में, यहाँ क्लिक करने के बाद में हम एन टाइप करेंगे तो ये अर्निंग हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, अब हम चेंज करना है हमें इसकी फाउंट स्टाइल। तो फाउंट स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ फाउंट में आएंगे, यहाँ से इसकी फाउंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें से फाउंट ले रहे हैं, इसका फाउंट ले लेते हैं हम लोग ये स्टाइल का। तो हमने इसकी फाउंट स्टाइल में फाउंट चेंज कर दिया, उसके बाद फाउंट स्टाइल के अंदर ऑप्शन आ रहा है इसमें बुक का, तो सिर्फ बुक ही चेंज कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट तरीके के फाउंट लेते हैं जिसमें हम थोड़ा बोल्ड फाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसका फाउंट ले लेते हैं स्क्रॉल करके नीचे, ये वाला फाउंट लेते हैं, इसमें आ रहा है थिन और वाइड, तो वाइड किया तो बोल्ड हो गया ये फाउंट, ठीक है। तो हमने ये फाउंट सेलेक्ट कर लिया, फिर हमें इसमें कलर और कोई चूज करना है कि और नेवी ब्लू होना चाहिए तो हमने इसका डार्क ब्लू कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके शेप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, हमारी चॉइस के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसका फिश का शेप देना चाहता हूँ, फिश का शेप दे दिया,
और इसमें इसकी ब्लेंड को चेंज कर दिया और ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा है, आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में भी सीखा है हमने हॉरिजेंटल टाइप टूल। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो कलर चूज करने का हमने ऊपर टूल बार आ रही है, टूल बार सीखी है, जिसके अंदर हमने सीखा है इसके फाउंट स्टाइल, उसके बाद में फाउंट स्टाइल में इसके ऑप्शन, उसके बाद हमने सीखा है इसकी फाउंट साइज को छोटा बड़ा करना, उसके बाद हमने सीखा है इसके अंदर राइट करना, लेफ्ट करना, सेंटर करना फाउंट को, उसके बाद फाउंट के कलर को चेंज करना कि फाउंट के कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो सीखा, उसके बाद रैप टेक्स्ट सीखा है कि रैप कैसे करना है, इसकी फाउंट के स्टाइल को चेंज करके रैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके फाउंट को रैप कर सकते हैं, ये सीखा है। और उसके बाद में कंट्रोल टी करके इसको मूव करना, या इस फाउंट के अंदर ही हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस कैसे होते हैं, उसके लिए हम टूल को सेलेक्ट करके किसी भी वर्ड के वहां पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, और उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करके वर्ड चेंज करना है, चेंज करने के बाद ऊपर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है चेक मार्क, उसको सेलेक्ट करेंगे तो चेंजेस हो जाएंगे। ये आज हमने सीखा है हमारी क्लासेस के अंदर। ओके, थैंक यू।